मेरे जिगर के टुकड़ों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी मेरी तरह मजे में होंगे। आज मैं आपके लिए 2014 में आई साइकोलॉजिकल मूवी गुड नाइट मम्मी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी दो चुन्नू मुन्नू बच्चे जो कि ट्विन्स होते हैं और उनकी मॉम के रिलेशन पर बेस्ड है। आइए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम दो क्यूट ट्विन्स बच्चों को देखते हैं जिनकी उम्र महज 9 साल की होती है, जो घर के बाहर फार्म हाउस पर पानी में धमा चौकड़ी यानी कि खेल कूद कर रहे होते हैं, जिनका नाम लोकस और इलियास होता है। लोकस और इलियास अपनी मॉम की गाड़ी का हॉर्न सुनते ही खरगोश की चाल से भागते हुए घर पहुंच जाते हैं। आगे उनकी मॉम घर में एंटर करती है और अपने रूम में चली जाती है। दोनों बच्चे भी वहां पहुंच जाते हैं। लोकस और इलियास अपनी मॉम के फेस को पट्टियों से बंधा हुआ देखते हैं, जो देखने में काफी हॉररिवल लग रही थी, और पट्टियों से ढके होने की वजह से उनके फेस में सिर्फ आईज एंड लिप्स विजिबल थे। अब लोकस और इलियास सोचने लगते हैं कि उनकी मॉम के फेस पर पट्टियां क्यों बंधी हुई हैं। इससे पहले वो अपनी मॉम से कुछ पूछते, जैसन इलियास से कहती है, चलो जाओ नहाओ जाके, ये क्या उलिया बना रखा है। जैसन चुन्नू मुन्नू की मॉम का नाम होता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम जैसन को जूस बनाते हुए देखते हैं, जो वो सिर्फ इलियास को पीने को देती है। तो लोकस इलियास के कान में कहता है, मुझे भी जूस चाहिए। फिर इलियास अपनी मॉम से कहता है, लोकस को भी जूस चाहिए। जैसन कहती है, उसको चाहिए होगा तो वो खुद मांग लेगा, तुम अपना जूस फिनिश करो, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब इलियास बेचारा, लोकस तो उसकी जान था, अब वो क्यूट से भाई से कहता है, आई लव यू भाई, तो मेरा जूस पी लो, और इलियास अपना जूस शेयर कर लेता है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अब आगे हम लोकस और इलियास को आपस में बात करते हुए देखते हैं और उसकी मॉम लोकस को कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रही होती है। तब इलियास अपनी मॉम से पूछता है, आप लोकस से बात क्यों नहीं कर रही हो, आपने उसको जूस भी ऑफर नहीं किया था, आखिर आपको हुआ क्या है और आपने ये अपने चेहरे पर ये बैंडेज क्यों लगाए हुए हैं। जैसन अपने बच्चे इलियास के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है। अब रात काफी हो जाती है तो बच्चे अपने रूम में मोबाइल में लूडो खेल रहे होते हैं। तभी जैसन रूम में आकर इलियास पर चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम सोए क्यों नहीं, इतनी रात हो गई है, कल स्कूल भी जाना है। इलियास, देखो मेरे फेस पर सर्जरी है और डॉक्टर अंकल ने मुझे प्रॉपर रेस्ट करने को कहा है, तो अब से तुम इसका ख्याल रखना, और अगर तुमको खेलना है तो घर के बाहर जाकर खेलना, घर में लेकिन शोर शराबा मत मचाना, और हाँ घर में कोई भी आए, इस्त्री वाला, सब्जी वाला, जोमेटो वाला, धोबी वाला, कोई भी आए, अगर मेरे बारे में पूछे तो कह देना मेरी मम्मी बीमार है और वो सो रही है, ठीक है इलियास। इतना कहकर जैसन रूम की लाइट बंद करके चली जाती है। अब कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। इलियास अपनी मॉम की इन अजीब हरकतों से बिल्कुल परेशान हो गया था। कभी उसकी मॉम मिरर के सामने अपने आप को घूरती रहती है, तो कभी कभार अचानक बहुत गुस्सा करने लगती थी। आखिर उसकी मॉम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी, उसको कुछ समझ में नहीं आता। वहीं फिर एक दिन दोनों बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, तभी वहां से ये एक बिल्ली ले आते हैं, लेकिन चुन्नू मुन्नू की मम्मी ने पेट्स घर में लाने से मना किया होता है, इसलिए वो चुपके से बिल्ली को अपने रूम में ले आते हैं और एक बॉक्स में छिपा देते हैं। लेकिन तभी बिल्ली की आवाज उसकी मॉम सुन लेती है और चुन्नू मुन्नू के रूम में आ जाती है और गेट में लॉक लगा होने की वजह से चिल्लाने लगती है। जैसन को बिल्ली तो नहीं मिलती, लेकिन वहाँ लाइटर मिल जाता है, तो जैसन का पारा और चढ़ जाता है। जैसन कहती है, तुम ये लाइटर कहाँ से लाई, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। इलियास कहता है, मम्मी मैं ये बुक्स जलाने के लिए लाया था बस। वहीं जैसन कहती है, ज्यादा चतुर ना बनो, सब पता है मुझे। फिर आगे हम लोकस और इलियास को बालकनी में खड़ा हुआ देखते हैं, जो अपनी मॉम को जंगल की तरफ जाते हुए देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि उनकी मॉम निर्वस्त्र हो रही है और पागलों की तरह अपना सर हिला रही है, जिससे चुन्नू मुन्नू को डर लगने लगता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ उन बच्चों का ख्वाब था और वो सपना देख रहे थे। अब इन दोनों बच्चों के सपने सेम क्यों थे, ये हम आगे जानेंगे। वहीं चुन्नू मुन्नू को अब ऐसा लगने लगा था कि जैसन उसकी मॉम नहीं है, इसलिए वो सच पता लगाने के लिए प्लान बनाते हैं। जब जैसन सो रही होती है, तब इलियास जैसन के मुंह में कॉकरोच डाल देता है, ताकि उसे कंफर्म हो सके कि उसकी मॉम नाटक कर रही है या सच में सो रही है। दरअसल उसकी मॉम सच में सो रही थी, क्योंकि कॉकरोच उनके मुंह में एंटर कर चुके थे एंड जैसन का भोजन बन चुके थे। अब चुन्नू मुन्नू यानी लोकस और इलियास सोने का फायदा उठाकर अपनी मॉम का राज पता लगाने लग जाते हैं। तभी उनको एक एल्बम मिलता है, जिस
में उसकी मॉम की शक्ल की एक और लेडी दिखती है। तो चुन्नू मुन्नू को लगता है कि ये उनकी मौसी होगी, पर मॉम ने कभी हमें इनके बारे में नहीं बताया। मेरी मॉम तो ऐसी नहीं थी जैसे ये चुड़ैल मॉम हमारे साथ बिहेव कर रही है। हमारी मॉम तो बहुत प्यारी थी, ये तो बस चिल्पो करती रहती है। अब बच्चों को लगता है ये जो हमारे घर में औरत है ये हमारी मौसी है और सब कुछ अपने नाम कराना चाहती है, प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है, ये हमें मार देगी। आगे अगले दिन जब लोकस और इलियास घर की सफाई कर रहे होते हैं तो इन्हें अपनी मरी हुई बिल्ली दिखाई देती है, जिसे देखकर दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये जरूर उनकी मॉम ने ही किया है। वहीं जैसन को सफाई बहुत पसंद थी इसलिए घर में पेट्स अलाउ नहीं करती थी। अब लोकस और इलियास अपनी बिल्ली को एक पानी से भरे टब में डाल देते हैं। जब जैसन उसे वहाँ देखती है तो आग बबूला हो जाती है और इलियास को बुलाकर एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है तुम्हें अकल नहीं है, ये सब क्या कर रहे हो ऊटपटांग की हरकतें। तो इलियास कहता है आप मेरी मम्मा नहीं हो, अगर आप मेरी मम्मा होती तो मुझे थप्पड़ नहीं मारती, आप बहुत दुष्ट हो, चुड़ैल हो, पागड़ बिल्लो, आई हेट यू। तभी उसकी मॉम कहती है अच्छा गलती करता है ऊपर से जवान लड़ाता है। फिर उसकी मॉम इलियास को पकड़ के रूम में ले जाती है और कस के पकड़ के धुन देती है और कहती है मैं ही तेरी मम्मा हूँ याद रखना। फिर वही दोनों अपने अपने रूम में जाकर रोने लगते हैं। इलियास तो अपनी अम्मा से जम के पेला गया था इसलिए रो रहा था और जैसन ने इलियास को बेमतलब का मार दिया था जिस वजह से उसको भी दुख हो रहा होता है और इसलिए वो रो रही थी। अब इलियास तो उलझल उल सपने देखता ही रहता है। अब एक दिन वो देखता है कि वो अपनी मॉम का पेट काट रहा है और उसकी मॉम के पेट से बड़े बड़े कॉकरोचेस निकल रहे हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ इलियास की इमेजिनेशन का ही कमाल के ख्वाब बुने जा रही थी। आगे पता नहीं ये बच्चा कितनी इमेजिनेशन के तार बुन डालेगा। अब अगली सुबह हम चुन्नू मुन्नू को राजा बेटा बना हुआ देखते हैं जो अपने रूम में बैठे होते हैं। तभी उनका गेट नॉक होता है और गेट पर कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम ही होती है। लोकस और इलियास ने अपनी मॉम से डर के मारे बुक्स से गेट बंद कर रखा हुआ होता है। गेट पर खड़ी उसकी मॉम आवाज लगा के इलियास को बुला रही होती है कि बेटा गेट खोलो, आई एम सॉरी बेटा, मुझे बहुत दुख है, मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था, मेरे प्यारे बच्चों गेट खोलो। इलियास तब भी सोचता है कि ये मेरी मॉम है ही नहीं क्योंकि वो अपना दूसरे बच्चे लोकस को अभी तक इग्नोर कर रही थी। वहीं इलियास अब गेट खोल देता है और हम देखते हैं कि अब जैसन के फेस से वैंडेज हट चुके थे और वो काफी हॉट लग रही थी। अब उसकी मॉम इलियास को एक गिफ्ट देती है। वहीं इलियास गिफ्ट लेके उसे खेलने की परमिशन लेकर मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है और सीधा चर्च पहुँच जाता है। इलियास वहाँ के पादरी से पूछता है कि कोई ऐसी दवा है जिससे मेरी मॉम असली है या नकली पता चल जाए। ऐसा अजीब सा सवाल पूछने पर पादरी मौज लेते हुए, आजकल के बच्चे भी टैया भर के होते हैं और जवान इतनी लंबी चलाते हैं। अब चर्च का पादरी कोई रिस्क ना लेते हुए सीधा उनको घर पहुँचा देता है और चुन्नू मुन्नू की मॉम से पूछता है क्या कोई बात है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब जैसन कहती है सर मेरा कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से मेरे फेस की सर्जरी करवानी पड़ी थी, तब से मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी और जरा जरा सी बात पर इरिटेट हो जाती थी, अपने बच्चे को डांट देती थी, मार भी देती थी, अब मेरा हस्बैंड भी मुझे छोड़ के चला गया, मैं किसको अपना दुखड़ा रहूं, आप ही बताओ। गाइस हमें यहाँ पता चलता है कि चुन्नू मुन्नू की मॉम के फेस पर वैंडेज इसलिए लगे थे क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनको अपने फेस की सर्जरी करवानी पड़ी थी। आगे जैसन फिर अपने रूम में जाकर रोते रोते सो जाती है। फिर जब सुबह उठती है तो अपने आप को बेड से बंधा हुआ पाती है और वहाँ पर चुन्नू मुन्नू भी थे और ये सब उनकी ही कलाकारी थी, इलियास ने ही अपनी मॉम को बेड से बांधा हुआ था। उसकी मॉम इलियास से कहती है बेटा मुझे खोल दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इलियास कहता है क्योंकि आप मेरी मम्मी नहीं है, चुपचाप बता दो मेरी मम्मी कहाँ है। जैसन कहती है बेटा मान जाओ मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। फिर इलियास उसको एक फोटो दिखाता है और पूछता है ये आपके साथ कौन है। वो बताती है ये मेरी फ्रेंड है और हम दोनों की शक्ल सेम थी जिस वजह से हम दोनों ट्विंस लगते थे, इसलिए सेम ड्रेसिंग भी किया करते थे। वहीं इलियास को गुस्सा आ जाता है, वो अपनी मॉम पर पानी फेंक देता है। फिर इलियास अपनी मॉम का एक वीडियो देख के आईज ऑब्जर्व करता है और कहता है कि मेरी मॉम की आंखें ब्राउन थी और आपकी ब्लू है, आप मेरी मम्मा हो ही नहीं सकती। जैसन कहती है बेटा वो कॉन्टेक्ट लेंस है जिन्हें मैं अक्सर पहना करती थी, मेरी आंखें ब्लू ही है। चुन्नू मुन्नू को गुस्सा आ जाता है और काफी समझाने के बाद भी इलियास नहीं मानता कि ये उसकी ही मम्मा है। तभी रेड क्रॉस के कुछ लोग चंदा मांगने आ जाते हैं इसलिए वो अपनी मॉम के मुंह में टेप लगा के नीचे चंदा मांगने वालों के पास चले जाता है और फिर इलियास अपनी मॉम के पर्स से पैसे चुरा के चंदे वालों को दे देता है ताकि वो लोग जल्दी यहाँ से चले जाएं। उधर जैसन अपने मुंह से काफी हद तक टेप हटा देती है और चिल्लाने लगती है प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, क्योंकि उसने किसी के घर में होने की आहट
सुन ली होती है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी क्योंकि अब चंदा मांगने वाले घर से काफी दूर चले गए होते हैं। जैसन की आवाज सुनकर तुरंत इलियास और लोकस रूम में अपनी मॉम के पास पहुंच जाते हैं और सुपर ग्लू से जैसन के लिप्स को चिपका देते हैं। अब ऐसे ही काफी देर हो जाती है और इलियास को लगता है कि उसे अपनी मॉम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे बहुत दुख होता है और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, इतनी देर से भूखी है। तो वो अपनी मॉम के लिए पिज्जा लेके जाता है और इलियास अपनी मॉम के लिप्स से ग्लू को एक छोटी सी कैंची से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जेल हटाने के चक्कर में उनका पूरा होंठ कट जाता है और खून भलभलाते हुए निकलने लगता है, जिस वजह से पूरा बेड भी गंदा हो जाता है। अब इलियास जैसन के हाथ पांव खोल देता है और बेडशीट बदलने को कहता है, लेकिन उसकी मॉम मौका पाते ही वहाँ से फरार होने का सोचती है क्योंकि वो अपने बच्चे के जुल्म से डर रही थी। अब जैसे ही जैसन घर से बाहर निकलती है मुंह के बल गिर जाती है क्योंकि उनकी बॉडी में कमजोरी आ गई थी और वो बेहोश हो जाती है। अब जब इलियास की मॉम को होश आता है तो वो अपने आप को फ्लोर पर उसी सुपर ग्लू से चिपका हुआ पाती है जो लिप्स पर लगाया गया था। अब तो इलियास ने उनकी आंखों को भी सुपर ग्लू से चिपका दिया था। अब इलियास अपनी मॉम के पास अजीब तरह के मुखौटे लगा के आता है और कहता है कि अब आप बता दो मेरी मम्मी कहाँ है। वो कहती है, बेटा मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ। इलियास कहता है, नहीं आप मेरी मम्मी नहीं है, अगर आप मेरी मम्मी होती तो मैं आपके साथ ऐसी हरकतें कभी ना करता। मेरी मॉम बहुत अच्छी थी, वो मुझे कभी नहीं डांटती थी, वो लोकस से भी बहुत अच्छे से बात करती थी। अगर आपने सच नहीं बताया आप कौन है और मेरी मम्मा कहाँ है तो मैं पूरा घर जला दूंगा। और अब जैसन इलियास से रोते हुए कहती है कि तुम क्यों नहीं समझ रहे, मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। उस समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था और सर्जरी की वजह से मैं बहुत चिड़चिड़ाने लगी थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अब से मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी भी। फिर इलियास कहता है, और आप लोकस से क्यों नहीं बात करती है, उसकी क्या गलती है, उसको आप बस इग्नोर ही करती रहती है, उसके साथ भी तो आपको प्यार से रहना चाहिए, उसको भी प्यार करना चाहिए, मेरी मम्मा हमें इक्वल प्यार देती थी, आप तो बस मेरे प्यारे भाई को इग्नोर ही करती रहती हो, आप मेरी मम्मा हो ही नहीं सकती। गाइस अब हमें स्टार्टिंग से एंड तक की स्टोरी पता चल जाती है कि जैसन ऐसा क्यों कर रही थी और वो कौन थी। अब जैसन कहती है, बेटा इलियास सच्चाई एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो, तुम्हारा भाई उस एक्सीडेंट वाले दिन मर चुका है, सच्चाई एक्सेप्ट कर लो बेटा कर लो, वरना तो मुझे सच में मार डालोगे। दरअसल इलियास की ही गलती से लोकस की जान चली गई थी और इलियास इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसकी वजह से उसका भाई उसके साथ नहीं है, वो हमेशा इमेजिनेशन करता था वो हमेशा उसके साथ है। गाइस मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, असल में लोकस मर चुका है और इलियास की गलती की वजह से ही लोकस की जान गई थी, पर इलियास ये बात मानने को राजी नहीं था कि लोकस मर चुका है और उसने अपने दिमाग में सोचना शुरू कर दिया था कि लोकस अभी भी उसके साथ ही है। आप ध्यान से देखिएगा तो इलियास के अलावा लोकस से किसी ने भी बात नहीं की थी। अब आगे जैसन इलियास से कहती है, बेटा मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, मैं सच में अच्छे से बिहेव करूंगी, तुमसे और लोकस दोनों से बात करूंगी और उसे इग्नोर नहीं करूंगी, आपको भी प्यार करूंगी। इलियास कहता है, अच्छा ठीक है चलिए अब आप लोकस को बताइए कि वो कहाँ है और उससे बात करिए, असल में लोकस तो था ही नहीं, वो तो मर चुका था। अपनी जान बचाने के लिए जैसन डर डर के लोकस को गैस करती है लेकिन वो गलत होता है और अब इलियास को गुस्सा आ जाता है, वो अपनी मॉम और घर में आग लगा के भाग जाता है और इलियास को फार्म हाउस की तरफ से उसकी मॉम और लोकस आते हुए दिखाई देते हैं, यानी उसकी मॉम भी मर चुकी थी। अब इलियास के माइंड में उसकी मॉम यानी कि जैसन भी दिखाई देने लगी थी। आगे इलियास गलती करने के बाद रिग्रेट करता था पर सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, इसलिए वो अभी आधी लाइफ इमेजिनरी वर्ल्ड में ही जीता था। वहीं आगे घर में लगी आग को बुझाने फायर ब्रिगेड आ जाती है और कोई क्लू न मिलने की वजह से इलियास को अरेस्ट नहीं कर पाती और मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप मेरे जिगर के टुकड़ों आपको चुन्नू मुन्नू की स्टोरी पसंद आई होगी, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी और लाइक शेयर करना मत भूलना। गुड बाय।